दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अक्सर लोग या तो हीरो को याद रखते हैं या फिर हीरोइन को, और ये एक स्वाभाविक बात है क्योंकि फिल्मों की शुरुआत से लेकर अभी तक पर्दों पर सिर्फ वही दिखाई देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सहायक किरदारों के बिना कोई भी फिल्म अधूरी होती है, खासकर हास्य कलाकार के बिना फिल्म लगभग अधूरी होती है। आज हम एक ऐसे ही हास्य कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने फिल्मों में एक सहायक और हास्य कलाकार होते हुए भी प्रमुख अभिनेताओं में अपने आप को शामिल किया है और अपने दमदार अभिनय से खूब नाम कमाया है। वो ज्यादातर एक हास्य कलाकार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर हास्य और सहायक कलाकार सतीश शाह के बारे में, जिन्होंने अपने शानदार हास्य अभिनय से दर्शकों का काफी मनोरंजन किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहे इस कलाकार ने कई लोगों का दिल जीता है और वर्तमान में भी वो अपने फैंस को मनोरंजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सतीश शाह के जीवन के बारे में बताएंगे, जिसमें हम उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म 25 जून साल 1951 को मायानगरी कही जाने वाले शहर मुंबई में उस समय के बॉम्बे में एक हिंदू गुजराती परिवार में हुआ था। मूल रूप से वो गुजराती हैं और उनका होम टाउन मांडवी है, जो गुजरात के कच्छ में है। उनका पूरा नाम सतीश रविलाल शाह है, लेकिन वो बॉलीवुड इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच सतीश शाह के नाम से मशहूर हैं। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उनका झुकाव फिल्मों की तरफ हुआ और उन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय करने का मन बना लिया। हालांकि उनके लिए फिल्मों में अभिनय करना इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसके बाद जाकर उन्हें अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। उन्होंने साल 1978 में अपने करियर की शुरुआत की और उसी साल उन्हें अरविंद देसाई की अजीब दास्तां में सहायक कलाकार के तौर पर अभिनय करने का मौका मिला, जो उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्हें अपनी दूसरी फिल्म में अभिनय करने के लिए 2 साल रुकना पड़ा और आखिरकार साल 1980 में उन्हें निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है उसमें दोबारा अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म के निर्माता और लेखक स्वयं सईद अख्तर मिर्जा ही थे, जिसमें मुख्य किरदार के रूप में नसीरुद्दीन शाह, अल्बर्ट पिंटो के रूप में स्मिता पाटिल, जॉन पिंटो के रूप में शबाना आजमी, स्टेला डिकोस्टा के रूप में शामिल थे। वहीं पर ओम पुरी मधु के किरदार में नजर आए। सतीश शाह बतौर सहायक कलाकार एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। दरअसल इसमें एक आम इंसान यानी अल्बर्ट पिंटो को कहानी को बयां किया गया है कि किस तरह वो अपने हक अधिकारों के लिए खड़ा होता है, क्योंकि वो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से बहुत विचलित हो जाता है। सभी ने फिल्म में शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। एक सहायक कलाकार के रूप में सतीश फिल्मकारों की नज़र में आए, जिसके चलते उन्हें उसी तरह की भूमिका में आगे भी काम करने का मौका मिला। साल 1981 में आई फिल्म उमराव जान में उन्होंने अभिनय किया, जिसमें उन्होंने दरोगा दिलावर की भूमिका निभाई और ये फिल्म उनके करियर की तीसरी फिल्म साबित हुई, जिसके निर्देशक थे मुजफ्फर अली। दरअसल ये फिल्म मिर्जा हादी रुसवा के एक उपन्यास उमराव जान अदा पर बनी हुई थी, जो 1897 से लेकर 1930 की पूरी उपन्यास पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म को लेकर तब की तरह वर्तमान में भी ये विवाद चलता है कि मिर्जा हादी रुसवा के उस उपन्यास में जो उमराव जान चरित्र थी, वो कोई वास्तविक चरित्र है या फिर उनकी कोई कल्पना थी। फिल्म में मशहूर अभिनेत्री रेखा से लेकर फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर, प्रेमा नारायण, अकबर रशीद जैसे अन्य कलाकार शामिल थे। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। सभी कलाकारों ने इस फिल्म में अच्छा प्रदर्शन किया कि कलाकारों के लिए पुरस्कारों की छड़ी लग गई थी। रेखा, मुजफ्फर अली, खय्याम, मंजूर, इन सभी को फिल्म में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद उन्होंने साल 1982 में बैक टू बैक 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिसका शीर्षक था साथ साथ और शक्ति। इन दोनों फिल्मों में उन्हें छोटे किरदार से संतुष्ट रहना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। एक हास्य कलाकार के रूप में उनके किरदार को हमेशा पसंद किया जाता था, लेकिन वो आगे भी फिल्मों में अपने आप को एक व्यापक रूप देने में लगभग असफल ही रहे, क्योंकि उन्हें भी कोई बड़ा रोल नहीं मिला और वो एक साइड कॉमेडी एक्टर के तौर पर ही लोगों में फेमस हुए। हालांकि कॉमेडी एक्टर के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड में अपना स्थान प्रमुख अभिनेताओं में शामिल किया। उन्होंने करीब 3 दशकों तक फिल्मों में सक्रियता दिखाई, जिस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया, जैसे कैसे कैसे लोग, जाने भी दो यारो, मोहन जोशी हाजिर हो, भावना, पुराना मंदिर, आग और शोला, अमृत, लव 86, अनोखा रिश्ता, आज का रॉबिन हुड, घर घर की कहानी, घर वाली बाहर वाली, वीराना, बड़े घर की बेटी, पुरानी हवेली, थानेदार, हातिम ताई, नरसिम्हा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अनाड़ी नंबर 1। इसके अलावा उन्होंने कई और फिल्मों में शानदार अभिनय किया है।
खासकर जाने भी दो यारो और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने शानदार अभिनय किया, जो आज भी लोगों को पसंद आती है। यहां तक कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने लोगों की जुबान पर हैं। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी, लेकिन सभी कलाकारों की वजह से फिल्म सुपरहिट हो पाई। उन्होंने फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शोज में भी काम किया है, जैसे साल 1984 से लेकर 1986 के दौरान प्रसारित की गई टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी, साल 1993 से लेकर 1995 की टीवी सीरियल फिल्मी चक्कर, घर जमाई, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, और साल 2007 और 2008 में एक कॉमेडी सर्कस में जज के तौर पर भी काम किया। आपको बता दें कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी जीते और उसमें शानदार अभिनय के लिए उन्हें आज भी जाना जाता है। उन्होंने अपने अभिनय करियर में लगभग 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। वो कई मराठी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, हालांकि अभी भी वो एक्टिंग में एक्टिव रहते हैं, जिसके चलते उनकी आखिरी फिल्म अभी बताई नहीं जा सकती। लेकिन साल 2014 में उन्होंने फिल्म हमशक्ल में अभिनय किया था। इसके बाद अभी तक वो किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आए। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम मधुषा है, जिससे उन्होंने साल 1982 में शादी रचाई थी। वो एक डिजाइनर हैं। आपको बता दें कि दोनों की प्रेम कहानी काफी रोमांचक थी। दरअसल अपनी पत्नी मधु को पहली बार देखने के बाद उन्हें पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया था। यहाँ तक कि उन्होंने मधु को प्रपोज भी कर दिया था। आप कह सकते हैं कि ये एक तरफा प्यार था, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। यहीं तक नहीं, दूसरी बार भी उन्होंने सतीश के प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन उनके तीसरे बार प्रपोज करने के बाद मधु ने उनसे कहा कि पहले आप अपने माता पिता से बात करो, फिर मैं सोचूंगी। फिर क्या, सतीश ने अपने माता पिता को मना लिया और फिर अपने वादे के मुताबिक मधु ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। फिर दोनों ने शादी कर ली। हालांकि उनके बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनके माता पिता के बारे में। उनका एक भाई है जिसका नाम नटवर है और उनकी बहन है जिसका नाम माधुरी है। इसके अलावा उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। दोस्तों, फिल्म में शानदार अभिनय और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे साल 1985 में फिल्म जाने भी दो यारो में हास्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। साथ ही सारा भाई वर्सेस सारा भाई टेलीविजन शो में उनके द्वारा हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए साल 2005 में भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार और 2006 में इंडियन टेली अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य पुरस्कार के लिए नामांकित और सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, सतीश शाह ने न सिर्फ फिल्मों में अभिनय करते थे, बल्कि अपने उस किरदार को जीते भी थे, जिसके चलते वो लोगों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब हुए। अपने कॉमेडी किरदार से उन्होंने बहुतों को हंसाया। हालांकि वर्तमान में वो 71 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी जब उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिलता है तो वो उस मौके को तुरंत ले लेते हैं और दोबारा अपने फैंस को मनोरंजित करने में जुटे रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वो इसी प्रकार अपने चाहने वालों को रोमांचित करते रहेंगे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आपको उनकी अदाकारी और आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।